गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहां पे हजारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं। जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी, तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको उन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया, तो बहुत सारे शराब वाले तो दुकान वाले तो बेचारे कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। इसलिए हमने तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं। ये लोग चाहते हैं कि अफसरों को इतना डरा दो और प्राइवेट दुकानदारों को इतना डरा दो कि उसके बाद में यहाँ से दुकानें बंद हो जाएं और इनका इल्लीगल दुकानों का धंधा, ये गुजरात की तरह से जैसे हजारों करोड़ का धंधा गुजरात में चला रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये हालात पैदा हों। आज आपके सामने दो राज्यों की एक्साइज पॉलिसी के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। एक है गुजरात की शराब नीति, गुजरात की एक्साइज पॉलिसी जिसमें उन्होंने शराबबंदी की हुई है। गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहाँ पे हजारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं। खुलेआम सारे मीडिया में भी, अभी तो पिछले जब से ये हुई ट्रेजेडी हुई है लेटेस्ट वाली, सारे मीडिया में कई खबरें इस तरह की आई हैं जहां अलग अलग कोने में गुजरात के ये देखा गया कि किस तरह से इनके घरों में शराब बन रही है, इनके घरों में शराब बिक रही है, किस तरह से पूरे गुजरात में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है, ये आप सब लोगों ने दिखाया। ये सारा धंधा इनके ही लोग चलाते हैं, आपने दिखाया। और ये नकली शराब से मौत का पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं हमने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं, और फिर जब पड़ताल होती है, मीडिया पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे। जहरीली शराब पी पी के लोगों की जान जा रही है, लेकिन जहरीली शराब बेचने का, नकली गैरकानूनी तरीके से शराब बेचने का इनका धंधा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू कर रखा है। दूसरा है दिल्ली में लागू मॉडल। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं, सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें, ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रेड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहाँ पे। हमने उस पॉलिसी को ख़त्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थीं वो इन्होंने अपने ही यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे, बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे, और कई साल से लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई थी इन्होंने। तो ये सिस्टम ख़त्म करके ज़्यादातर सरकारी दुकानों का, जिनमें खूब भ्रष्टाचार था और इनके नेताओं रिश्तेदारों, इन सबकी ड्राइवर और मेड के नाम पे चलती दुकानों को, इन सबको, सारे सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने यहाँ पर शराब की दुकानों की नीलामी की। पहले यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थी उससे एक भी दुकान फालतू नहीं खोली जाएगी, वही 850 दुकानें रहेंगी। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था शराब पॉलिसी में। जब पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई
तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था, इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6,000 करोड़ की जगह 9,500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थी, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी, कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो, इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा सा और डेटा रखना चाहता हूँ कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में शराब की बिक्री की, शराब की दुकानों की पर कैपिटा संख्या क्या है, उसका एक डेटा है। गुड़गांव में जहाँ बीजेपी का शासन है, 4,166 लोगों पर शराब की एक दुकान है। नोएडा में जहाँ बीजेपी का शासन है, 1,390 लोगों पर शराब की एक दुकान है। बेंगलोर में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12,179 लोगों पर एक दुकान है। बीजेपी का गोवा है, गोवा में 761 लोगों पर एक दुकान है। नई पॉलिसी के तहत अगर दिल्ली में मैक्सिमम दुकानें भी खुल जाती तो उसके बावजूद 850 दुकानें भी खुल जाती तो यहाँ 22,707 लोगों पे एक दुकान होती। और आज जब 468 दुकानें हैं तो 41,192 लोगों पे एक दुकान है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ईडी की धमकी देके, सीबीआई की धमकी देके चाहते हैं कि लीगल शराब का धंधा यहाँ भी बंद हो और इलीगल धंधे को बढ़ावा मिले, नॉन ड्यूटी पेड धंधे को बढ़ावा मिले, स्पिरिट्स लिकर को बढ़ावा मिले। ये इनका पुराना धंधा था, ये वापस उस धंधे को लाना चाहते हैं। अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है, तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फ़ायदा देता है। इसीलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के दिल्ली सरकार के अफसरों को भी इतना डरा दिया है कि अब जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका कोई लाइसेंस करने को तैयार नहीं है। दुकानें, जैसा मैंने बोला, बहुत सारी खाली हुई, अरबी और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो 2021-22 की पॉलिसी है, वो 31 जुलाई को अब ख़त्म हो रही है। डर के मारे कोई ऑफिसर इस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी सीबीआई की धमकी दे रखी है सबको, ईडी की धमकी दे रखी है। तो कुल मिला के इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे। क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी होगी, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं होगी, ये लोग चाहते थे। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं।
दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है वहाँ वहाँ फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होनी होती है, हुज ट्रेजेडी होती है, दिल्ली में भी होने लगेगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे, इसलिए हमने तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के ज़रिए अब लिकर सेल, लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट्स शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो ये सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के ज़रिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो, ये मैंने ऑर्डर किए। लेकिन बीजेपी से इस तरह से पेश करती, मैंने उसका रीज़न बताया आपको, ये लोग चाहते हैं कि अफसरों को इतना डरा दो और प्राइवेट दुकानदारों को इतना डरा दो कि उसके बाद में यहाँ से दुकानें बंद हो जाएं और इनका इलीगल दुकानों का धंधा, ये गुजरात की तरह से जैसे हजारों करोड़ का धंधा गुजरात में चला रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये हालात पैदा हों कि हजारों करोड़ की का धंधा इनका यहाँ पे चले नंबर दो का और नंबर एक का धंधा शराब का बंद हो जाए।